अज दे जुमातुल मुबारक दे खुतबे दा जो उनवान है, जिस हवाले नाल मैं जनाब दे नाल मुखातब होना चाहना, वो है अल्लाह तबारक व ताला दी तौहीद नू मनने वालियां नू अल्लाह करीम जेड़े अजर ते समर अता फरमा रहा है, उदी तौहीद नू मनने वालियां दे समर समरात और अजर जो उस बेनियाज ने रखे ने कुरानो हदीस की रोशनी के अंदर उस हवाले दे नाल जनाब दे नाल मुखातब हो रहा, क्योंकि रमज़ान उल मुबारक की आमद आमद है। इंशाअल्लाह अज़ीज अगला जुमा बशरते जिंदगी बशरते तंदरुस्ती रमज़ान उल मुबारक के अंदर ही आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी लारैब किताब कुरान पाक दे विच्चों एक आयत करीमा आप अहबाब दे सामने तिलावत करने दा शर्फ हासिल कीता है। अल्लाह करीम फरमांदा वा इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, फरमाया अल्लाह तो सिवा कोई इलाह नहीं, किसे दी इबादत नहीं, ला इलाहा नहीं कोई माबूद इल्ला मगर हुवर रहमानुर रहीम, ओ बेनियाज रब जेड़ा रहमान भी है ते रहीम भी है। आया तौहीद नू मनने वाला ओदी तौहीद ते ईमान रखने दा पहला फायदा ए वे कि जेड़ा ओदे अगे झुक जाए ओ गैरां दे अगे झुकन तो महफूज हो जाता है, उन्हों फिर किसी दूसरे दे अगे झुकन की जरूरत नहीं पैंदी। जेड़ा ओ दे अगे झुक जाए फिर ओ नहीं झुकदा ते बुत्तां दे अगे नहीं झुकदा, नहीं झुकदा ते जुल्म दे अगे नहीं झुकदा, नहीं झुकदा ते जबर दे अगे नहीं झुकदा। हाँ ये गल है कि अगर बेनियाज रब दा हुक्म होवे, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दी जदों तखलीक फरमाई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तियां नूं हुक्म दिता कि फरिश्तियो मेरे नबी नूं सजदा करो, लेकिन हकीकत विच सजदा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात नूं, क्यों कि फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे अगे नहीं चुके, रब दे हुक्म दे सामने चुके ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा हुक्म ते ओदे हुक्म दे सामने चुके ने। अगर कोई अज भी अगर कोई इंसान अपने वालिदैन दे अगे झुकदा, अगर किसी अल्लाह दे वली दे अगे झुकदा ते ओ अपनी मर्जी नाल नहीं चुकदा बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हुक्म दे मुताबक चुकदा है, तो पता ये चलिया कि जेड़ा उस बेनियाज दे अगे चुक जाए ओ फिर बुत्तां दे अगे जुल्मो जबर दे अगे नहीं चुकदा, बातल दे अगे नहीं चुकदा, क्यों कि ओ चुक गया है अपने रब्बुल आलमीन दे सामने। तुहाडे ते मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया मेरे गुलामों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अगे झुक जाओ ते जेड़ा बेनियाज रब अगे झुक गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हूं ऐसा कद अता फरमाएगा कि फिर उन्हूं किसे दे अगे झुकन की जरूरत नहीं। जिन्हें ये आख्या मेरा अल्लाह एक है, मेरा अल्लाह एक है, अल्लाह करीम कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमांदा है मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुसा फरमा दियो
जुबाने तैयब खोलो अपने पकीजा लबां विच्चों मिठे मिठे बोल बोलो ते फरमा दियो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फरमाया ऐ मेरे प्यारे हबीब तुसी फरमा दियो अल्लाह अहद अल्लाह एके ओ अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद ना उन्हें किसे नु जनिया है ना उन्हों किसे जनिया है अल्लाह करीम वहदहु ला शरीक जिन्हें उन्हों वहदहु ला शरीक मन लिया ओ फिर गैरा अगे चुकदा नहीं। जिन्हें ओनू वहदहू ला शरीक मन लिया ओ फिर किसे अगे झुकदा नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा सा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दे अगे झुकन दा एक फायदा ए वे कि जेड़ा ओ दे अगे झुक जाए फिर अल्लाह करीम अपनी मखलूक दे दिलां विच ओदी मुहब्बत पैदा कर देंदा है ओदा प्यार पैदा कर देंदा है फिर उनू किसे बादशाह किसे वजीर दे अगे किसे मुल्क दे सरबराह दे अगे झुकण दी जरूरत नहीं होंदी। इस वास्ते कि अल्लाह करीम फरमांदा इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। फरमांदा जिन्ना ईमान लियांदा बेशक जिन्ना ईमान लियांदा जिन्ना साले अमल कीते अल्लाह करीम फरमांदा ओना दे दिलां विच ओना दे दिलां विच असां असां उन्हां दा प्यार अपनी मखलूक दे दिलां विच डाल देने आ। फरमाया जेड़ा ईमान ले आया जिन्हें साले आमाल कीते फिर मेरे बंदे मेरी मखलूक ओदे नाल मुहब्बत कर दी ओदे नाल मुहब्बत कर दिए फिर आओ आका दो आलम अली सलातू सलाम दे गुलामो जिन्होंने ओदी तौहीद ते ईमान लियांदा जिन्हें ओदी तौहीद नू मन्या आदरत तवज्जो ते करी उन्हां लोगां दीयां जिंदगियां दे मुताले करिए हजरत मुईनुल मिल्लत हजरत ख्वाजा सैयद मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला आप फरमांदे ने मैं हज वास्ते गया मैं एक बंदा तवाफे काबा कर दिया वेख्या फिर मैं उनू अरफात विच वेख्या फिर मैं मुदलफा विच वेख्या फिर मैं उनू मिना विच वेख्या। फरमांदे ने जदों ओ लबैक आंदा सी उत्तों आवाज आंदी सी ला लबैक तेरी कोई हाजरी नहीं तेरी कोई हाजरी नहीं। कहंदे ने मैं वेखदा रहा वा अगर मैं काबे विच वेख्या ते उथे भी ओ लबैक आखे उत्तों आवाज आवे ला लबैक तेरी कोई हाजरी नहीं। फरमांदे ने जदों मैं अरफात विच वेख्या उथे भी मैं इहो ही आवाजा सुनिया जदों मुदलफे विच मना विच वेख्या मैं इही आवाजा सुनिया आदरा तवज्जो करी 90 लाख दे पीर ने उस बंदे नू बाजू तो पकड़ लिया ते मजमे विचों बार कढ़ लिया फरमाया ओ बेलिया मैं जदों तो वेख रहा वा जदों तू आना लबैक अल्लाहुम्मा लबैक या मैं हाजर ऐ अल्लाह मैं तेरे दरबार विच हाजर हाँ मैं तेरी बारगाह विच हाजर हाँ ते उत्तों आवाज आउंदी है ला लबैक ओ बंदे खुदा दया ए तू केड़ा जुर्म करके आया है। उन्हें आख्या सरकार ए पता मैनू भी कोई नहीं पर 24 साल हो गए ने मैं हर साल आना तुसी ते अज सुनिया है ये आवाजा 24 साल तो मेरे कन्ना विच आ रही ने
ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲਰਜ਼ਾ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਅਰਦ ਕੀਤਾ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਦੇ ਆ ਵਾਰਸਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਲ ਬੈਕ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਥ ਫੇਰ ਗੈਬੀ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਮੋਈਨ ਪਰਾਂ ਹਟ ਜਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਮੋਈਨ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸ ਯਾ ਅੱਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਮੇਰੇ ਮੋਈਨੂ ਦੀਨ ਗੱਲ ਏ ਵੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਖ ਦੇਵਾਂ ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲਾਲ ਬੈਕਾਨਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਕਰੀ, 24 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕਾ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਲੱਭੈ ਕਾਖ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਰਫੇ ਖੜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਦਿਲ ਬਰ ਤੈਨੂੰ, ਜੇ ਦਿਲ ਬਰ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਉਸਦਾ ਛੋੜੀ, ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਉਸਦਾ ਛੋੜੀ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਤਵੱਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਅਜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਦਿਲ ਬਰ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਉਸਦਾ ਛੋੜੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਮਿਰ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਾ ਤੋੜੀ, ਲਾ ਤੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਮਿਰ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਾ ਤੋੜੀ। 24 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਮੋਈਨੂ ਦੀਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਓ, ਆ ਮੈਂ ਤਹੀਦ ਦਾ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਮਾਸਟਰ ਨਸਾਰ ਆਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਜੱਦਦੇ ਦੀਨੋ ਮਿਲਤ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਂ ਫਾਜ਼ਲੇ ਬਰੇਲੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੈ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਮੌਲਾਨਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਹੀਦ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਏ। ਕੋ 2-4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਬੀਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। 2-4 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਖਿਆ ਸੀ,
तुसा कीता कोई नहीं, आप गुस्से विच आ गए, आप फरमान लगे जरा ठहर जा किधरों पैसे आउणगे ते मैं फिर तेनू लिया देवांगा चीज। ते आप फरमांदे ने मेरी बीवी रो पई, मैं पुछया मेरी जिंदगी दी साथी रोई क्यों वे, उन्हें रो के आख्या हुजूर खामद मेरे तुसी हो, अगर मैं तुहानू ना आखा ते कम किनू आखा मेरा गम बढ़ाओ, किनू आखा मेरे गम विच शरीक होवो। सरकार जदों खामद मेरे तुसी हो, सवाल भी मैं तुहानू ही करना है। आप फरमाते ने जदों मेरी बीवी ने यह गल आखी ना मैनू भी खामद मेरे तुसी हो तो मैं सवाल भी तुहानू ही करना है, आप फरमाते ने मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मैनू उथों तौहीद दा रंग मिल गया कि अगर मैं अपने मालक दी बारगाह विच दुआ मंगा रब्बा तेरे तो बाद मैं किदे कुल जाना है, कोई होर रब है वे दस मैं ओदे बूहे ते जावां, मालिका अता करने वाला तू ए, मंगण वाला तेरा बंदा है। आप फरमांदे ने फिर पूरी जिंदगी मैं इंजी मंगदा रहा, मेरे मालक ने सारा कुछ अता फरमा दिता है। ते जदों ओदी बारगाह विचों बंदा मंगे ते मालक जरूर अता करदा है, क्योंकि मालक दूर नहीं। अल्लाह फरमांदा वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, ऐ मेरे बंदे तेरा छाती मार के वेख, मैं ते तेरी जान दे बल्कि फरमाया तेरे बेचा तेरे कोला। आरफा दे सुल्तान हजरत सखी सुल्तान मुहम्मद बाहू रहमतुल्लाह ताला ले, आपने जदों वफी अनफसिकुम अफला तुबसिरून दा तर्जमा कीता ना ते आप फरमांदे ने ए तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाती हो ना कर मिन्नत ख्वाज खिजर तेरे अंदर आब हयाती हो, शौक दा दीवा बाल अंधेरे मता लपी यार खड़ाती मरण तो पहला जेड़े मर गए बाहू ते होना हक दी रमज पछाती हूँ। आदरा तवज्जो ते करी अल्लाह रब्बुल इज्जत दी तौहीद नूं मन्नण वाला जिहड़ा ओदे अगे झुक जाए फिर ओ किसे दुनियादार अगे ओ झुकदा नहीं, मेरा मालक उहनूं इज्जतां अता फरमा दिंदा है, मालक दी जात उहनूं इज्जतां अता फरमा दिंदी है। हुण किवें दीआं इज्जतां, जरा तवज्जो ते करी, तेरे ते मेरे करीम आका दी हदीसे मुबारक है, तेरे ते मेरे करीम आका ने फरमाया जेड़ा ओदी तौहीद नू मन लवे ओ ओदी मखलूक नाल प्यार करदा है, ओदी मखलूक नाल मुहब्बत करदा है, ओदी मखलूक दी खिदमत करदा है, क्योंकि हुजूर फरमांदे ने अल्लाह करीम ने जड़ी मखलूक पैदा कीती है ओ रब दा खानदान है।
क्योंकि अल्लाह करीम ने मखलूक पैदा फरमाई है ओदा खानदान है। हुण जरा तवज्जो ते करी जिन्ना ओदी मखलूक नाल ओदी तौहीद नूं समझदियां होया प्यार कीता है साडा रब राजी हो जाए। साडा रब जागदे हो साडा रब राजी हो जाए। पिछले जुमे वाले दिन सरकार दी सुन्नत नाल प्यार करने वालियां दी इज्जत दसी गई सी ते अज उस जात नाल प्यार करने वालियां दी इज्जत जनाब दे सामने रखी है। जरा तवज्जो करी आ जरा तवज्जो करी जेड़ा ओदी मखलूक नाल प्यार करे क्योंकि प्यार ओने ही करना है जिदे अंदर ओदी तौहीद होई। ओ फिर कदम भी सोच के रखेगा ओ कहेगा मेरे कोलों ओदी मखलूक विचों कोई कुत्ता कोई बिल्ली कोई ऐसा जानवर बल्कि चिमटियां नाल भी प्यार करेगा। फिर चिमटियां नाल भी प्यार करेगा ओदी मखलूक नाल प्यार करेगा। जरा तवज्जो ते करी हजरत सुल्तान महमूद गजनवी दे वालदे मोहतरम सुल्तान सुबकुद्दीन आप कहंदे ने मैं उस वेले बादशाह नहीं सां। फरमांदे ने सिर्फ मैनू शिकार दा शौक सी मैं जंगल विच टुर गया। कहंदे ने मैं जाके जंगल विच एक बकरी दा बच्चा शिकार कीता उधरों सूरज गरूब हो गया। मेरे दिल ने आवाज दिती कि जा जल्दी नाल जंगल विचों चला जा रात अंधेरी हो रही है। सुबकुद्दीन कहंदे ने मैं बाहर निकलिया जंगल विचों जा रहा वा बकरी दा बच्चा मेरे कोल सूरज गरूब हो गया। फरमांदे ने जदों मैं पिछे ध्यान मारिया मैं घोड़े ते सवार सां ते मैं वेख्या बकरी जी दा बच्चा मैं शिकार कीता सी ओ बकरी मेरे पिछे पिछे आ रही है। क्योंकि पावे है जानवर पर मां ते माई आंदी है मां ते माई आंदी है। मुसलमानों दरा तवज्जो करी आजे मां पावे जानवर दी होवे मां ते माई है पर इंसान तेरी मां नूं अल्लाह ने किन्नी शान दिती है। तेरे ते मेरे करीम ने फरमाया मेरे गुलामो तुहाडी मां दे पैरां दे थल्ले मैं जन्नत रख दिती जे। जरा तवज्जो करी आजे सुल्तान महमूद गजनवी दे वालदे मोहतरम कहंदे ने जदों मैं बकरी वल्ले वेख्या ते मैं ध्यान मारिया बकरी इंज लगदी है जिवें रो रही है। उन्हें बड़िया पतलियां अखां नाल मेरे वल्ले वेख्या ते आखन लगी जुबाने हाल विचों कहंदे ने मैं समझ गया ओदे इशारियां नूं क्यों पिछे आई। उन्हें आख्या वे सुबकुद्दीन मेरे बच्चे नूं वापस दे दे मैं एदी मां। कहंदे ने मैं उसे वेले उस बकरी दा बच्चा वापस दे दिता। मेरे दिल विच दलील ते आई सारा दिन शिकार वास्ते निकलिया इको बकरी दा बच्चा पकड़े आई वह भी वापस दे आया। कहंदे ने आ गया मैं घर मैं आके लेटिया कहंदे ने मेरी अख लगी मेरी किस्मत जाग पई। कहंदे ने मैं सुता अख लगी मेरे मदीने वाले माही ने वदुहा दे मुखड़े दी ज़ियारत करवा दिती। मदीने दे ताजदार ने फरमाया सुबकुद्दीन मैं अर्ज कीता जी सोनिया फरमाया अज तेनू इन्नी इज्जत मिली है ओदी मखलूक दा भला कीता ई जा असा तेनू खुशखबरी देने हां तेरे सिर ते भी बादशाही दा ताज होवेगा तेरी औलाद नू भी ओदी तौहीद दा सदका इज्जत मिल जाएगी। तवज्जो ते करी जिन्ने ओदी तौहीद नू मन्निया है आशको फिर ओनू मालक ने इज्जत अता फरमाइया ने
फिर जरा तवज्जो ते करिया जे सुल्तान सुबकुद्दीन आप भी बादशाह बने, फिर सुल्तान महमूद गजनवी पुत्र भी ऐसा बादशाह बनया जिन्हें सोमनाथ दा मंदिर 17 हमलिया विच फतह फरमा लिया, फतह कर लिया। ए इज्जत है ओदी तौहीद ते ईमान रखण दी। लेकिन जरा तवज्जो ते करी, फिर हुण मखलूक नाल प्यार किंज दा होना है। रमज़ान शरीफ नेड़े वे, रमज़ान शरीफ नेड़े वे, ते हुण बड़े बड़े ताजर इस इंतजार च ने कदों रोजे आउण ते चीज़ां जिहड़ियां अंदर रखियां ने उहनां नूं महंगियां करके बाहर कढ़ीए। लेकिन आदरा तवज्जो ते करी जिन्ना ओदी तौहीद नू मन्या है ते फिर उन्हां दियां इज्जतां इत्थे भी ने, उन्हां दियां इज्जतां अगे भी ने। ना वो बुत्तां अगे झुके, ना जुलम जबर अगे झुके, बस झुके ते अपने मालक बेनियाज रब अगे झुके। आखिया अबू बकर मक्का एक पासे इधर जमहूरीयत है, फरमाया मैनू जमहूरीयत नाल गर्ज नहीं, मैनू ते ओदे नाल गर्ज है जिन्हें अपना महबूब सानू अता फरमाया है। हजरत फारूक आजम आए, उस्मान गनी, मौला अली एवें नहीं मैदानां विच सामने आ गए। वजह की है दोस्तों, उन्होंने तौहीद ते पक्का ईमान रखिया ते मेरे मालक ने इन्नियां इज्जतां अता फरमा दित्तियां। इत्थे भी इज्जतां, अगे भी इज्जतां, इस वास्ते जिन्होंने ओदी तौहीद नूं मन्निया है इत्थे भी तर गए, अगे भी अगे भी तर गए। तो जिन्हों मालक ने मुकाम दिता है, जरा तवज्जो तो करी, जो मुसैलमा कजाब ने झूठा दावा किया नबूवत का, तो जेड़ा सरकार ने सब तो पहले अपना आशक टोरिया ना ओदे वल्ले, ओदा ना है हजरत हबीब इबने जैद अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हो। आप गए ना, जदों गल लंबी नहीं करता, मेरा मौजू सिर्फ तौहीद ते ईमान रखने वालों अल्लाह समर की अता फरमाउंदा है। आप जदों गए, आपने जाके नेजा गड्या, ते मुसैलमा कजाब दे दरबार च जेड़ा भी आवे वो पहले झुके, झुके सलाम करे, उन्हों चौके सजदा करे, सलाम करे। दरा तवज्जो ते करी, हजरत हबीब बिन जैद अंसारी जेड़ा सब तो गरीब सियाबी है, मदीना पाक दियां गलियां विच छाबड़े विच रख के खजूरां वेचण वाला है, हुजूर दा गुलाम है। लेकिन दरा तवज्जो ते करी, वैसे माली तौर ते गरीब सी, पर जड़ी ईमान दी दौलत है ओदे विच बड़ा ही तगड़ा सी। सरकार ने हजरत हबीब नू भेजिया हुण मुसैलमा दे सामने, जदों हजरत हबीब बिन जैद खलोते उन्हें आखिया मेरे कोल सारे आके झुकदे ने, तू मेरे कोल झुकिया क्यों नहीं, तू कौन है कित्थों आया है। उन्हें आखिया मुसैलमा तेरे सामने ओ किवें झुक सकता है, मेरे रसूल ने मैनू एक रब दे सामने झुका दिता है, जेड़ा एक रब दे सामने, जेड़ा रब्बुल आलमीन दे सामने झुक जाए ओ गैरां अगे झुकदा, ओ गैरां अगे झुकदा, वह गैरां अगे नहीं झुकदा जेड़ा उस जात दे अगे झुक जाए। फरमाया मेरे रसूल ने मैनू ओदी तौहीद दा सबक पढ़ाया है, ते फरमाया जिन्हां नू सरकार ने तौहीद दा सबक पढ़ा दिता है वह फिर गैरां अगे झुक दे, वो फिर गैरां अगे नहीं झुकदे, वो ते ओदी बारगा विच ही रहिंदे ने, ओदे सामने झुकदे ने, ते मालक इज्जतां किवें अता फरमाईयां। फिर मुसैलमा ने आखिया जे मेरे सामने झुकिया नहीं इहनू इहदी एक बां कट दिओ, बाजू कट दिओ, एक हथ कटिया गया। आपने फिर भी नारा तौहीद ही लगाया, नारा रिसालत लगाया, दूसरा बाजू कटिया गया, फिर नारा रिसालत लगाया,
फिर आपकी जुबान कटी गई, फिर नाराए रिसालत नाराए तौहीद लगाया, जरा तवज्जो ते करी, फिर आप दे जिस्म तो बकरी दी तरह खाल उतारी गई, फिर नाराए तौहीद नाराए रिसालत लगाया। इधर हुजूर मदीना पाक विच ने जरा मुसलमानों तवज्जो करी, आज किवें इज्जत मिलिया, आप दे जिस्म दियां बोटियां कट के जमीन ते डिगियां। हुजूर फरमांदे ने मेरे सियाबा मेरा हबीब जामे शहादत नोश कर गया है, ओदे वजूद दी एक एक बोटी विच्चों भी ओदी तौहीद मेरी रिसालत दा प्रचार हो रहा है। आ मुसलमान दरा तवज्जो ते करी, फरमाया जान तू बाद भी हजरत हबीब बिन जैद दे वजूद दियां बोटियां विचों नाराए तौहीद नाराए रिसालत आ रही आवे, ते बाबे बुल्ले शाह कसूरी दी रूह तड़पी, आखिया मानो दी तौहीद नू, मन महबूब दी रिसालत नू, ते फिर बाबा जी की बनेगा, फरमाया फिर बनेगा ए बुल्ले शाह असा मरना नहीं, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गौर पिया कोई होर, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गौर पिया कोई होर। आओ हुजूर दे दीवानियो जिन्ना ओदी तौहीद ते पक्का ईमान रखिया, मेरा मालक उन्हां नूं इज्जतां अता फरमाउंदा है, मेरा मालक उन्हां नूं इज्जतां अता फरमाउंदा। सुनो जरा गल ओदी तौहीद ते पक्का ईमान रखण दी है। दौर हज़रत उमर फारूक दा, दौर किन्हां दा है? हज़रत फारूक आजम दा। की होया? आप मदीना पाक दे मजाफात च रात नूं दुनिया सुती है, ते मुसलमाना दा अमीर गलियां विच मुसलमाना दे घर चैक कर रहा, को मेरी सल्तनत विच भुखा ते नहीं सुता, को मेरी सल्तनत विच भुखा ते नहीं सौं गया। जरा तवज्जो ते करी, आप अगस्त करदिया एक घर विच एक औरत है जिदी कुल जायदाद चार बकरियां ने, एको दी बेटी है, खामद फौत हो गया है, कोई गरीब समझ के रिश्ता भी नहीं लेंदा। मियां साहब अरफे खड़ी फरमांदे ने रोगां विच्चों, मलिक साहब रोगां विच्चों रोग मुहम्मद जिसदा नाम गरीबी, जिसदा नाम गरीबी, औखे वेले छड़ जांदे ने सब रिश्तेदार करीबी। तवज्जो ते कर, जदों गुरबत आ जाए फिर उन्हां गरीबां दे ते अपने स्टेटस चैक कीते जांदे ने। लेकिन आदरा तवज्जो ते करी, मां बेटी नूं आखन लगी नी धीए तेरा रिश्ता करना है, साडे कोल कोई जायदाद नहीं, साडे कोल कोई जायदाद नहीं, ते इस तरह कर को दुध विच पानी मिला लै, क्योंकि चार बकरियां दा दुध ते वध जाएगा। अज जरा मुसलमान तवज्जो ते कर, अज साडा मुसलमान रिश्ता करदा है ना, आंदा होर कुछ भावें होवे ना होवे, साडा 500 बंदा जांजदा संभाल लिया, जे तैनू शर्म नहीं आउंदी? रिश्ता ओ वेख क्या
जांजियां ने तेरी नस्ल सवारनी है। जिहड़ा 500 बंदा जांज नाल लैके जाना ही उन्होंने कहा तेरी नस्ल सवारनी है। बेटी ओ वेख जिहड़ी आउण वाले वक्त च तेरी नस्ल नूं उस मालक दे बूहे ते झुका के रख देवे। अज जायदादां वेखियां जांदियां ने लेकिन आदरा तवज्जो करी 25 लाख मुरबा मील का हाकम है, 25 लाख मुरबा मील का हाकम है। फिर तेरे ते मेरे करीम ने फरमाया फरमाया रिश्ते क्योंकि कई वजह तो होंगे ने, रिश्ता होंदा कबीला वेख के, रिश्ता होंदा खूबसूरती वेख के, रिश्ता होंदा माल जायदाद वेख के, ते रिश्ता होंदा हुजूर फरमाया मेरा दीने इस्लाम वेख के। फरमाया सब तो कामयाब ते चंगा रिश्ता ओ वे जेड़ा सिर्फ मेरा दीन मेरे इस्लाम दी रगबत वेख के कीता जाए, मेरे इस्लाम दी रगबत वेख के कीता जाए। लेकिन आदरा तवज्जो ते करी 25 लाख मुरबा मील दा हाकम जदों वेख्या हुण मां आंदी ए नी धीए दुध विच पानी मिला लै ताके कुछ पैसे ज्यादा आ जान। ते बेटी आंदी ए नी अम्मा तेनू पता दौर उमरे फारूक दा ए, ते मां आंदी ए नी धीए इस वेले उम्र केड़ा वेख रहा है। ते बेटी आंदी ए अम्मा उम्र ते नहीं वेखदा पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ते वेखदा, वेख तौहीद ते किन्ना ईमान है। उम्र ते नहीं वेखदा पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ते, अल्लाह रब्बुल आलमीन ते वेखदा। हजरत फरूक आजम ने सुनिया आपने उन्होंने टच नहीं किया, दरवाजे ते दस्तक नहीं दिती, चुप करके घर तशरीफ ले आए। दिन चढ़िया अपनी बीवी नू बिठाया, आपदा बेटा अबू बकर उन्होंने बिठाया, दोवें मां बेटा बैठे ते फरूक आजम फरमाया ए बेटा मैं राती तेरे वास्ते रिश्ता वेखिया। आखिया मेरी बीवी मैं राती रिश्ता पुत्र वास्ते वेख आया। ते बीवी आखिया हुजूर रिश्ते दिन विच वेखे जांदे ने, रात दी तरीकी विच नहीं वेखे जांदे। फरमाया मेरी जिंदगी दी साथी दिने रिश्ते जारी अखां नाल वेखे जांदे ने, मैं जारी अख नाल नहीं वेखिया। जेड़ी मेरे आका ने मैनू बातन दी अख रब कोलों लै के दिती है, मैं ओदे नाल रिश्ता वे के आया। ओदे नाल रिश्ता वेख आया, जड़ी बातन दी अख मिली हुई है। हुण शाम पई बेगम नू बुरका पवा लिया ते जाके उस बीबी दे दरवाजे ते दस्तक दिती, ते अंदरों आवाज आई कौन है, बाहरों जवाब दिता घर वाले मैं तुहाडे बूए ते खिताब दा पुत्र उमर आया। ज़रा तवज्जो करी 25 लाख मुरबा मील दा हाकम है, मैं खिताब दा बेटा उमर आया वा। घर वाले आख्या सरकार किथे तुसी किथे असी, आपने फरमाया मैं कल्ला नहीं मेरी बीवी भी नाल। बीबी ने दरवाजा खोलिया आंदी ए हुजूर मैं उन्हां रावां तो सदके जावा जिन्हां तो चल के तुसी मेरे गरीबनी दे घर आए हो। इंज जिवें पंजाबी च आंदे ने जिवें कीड़ी घर नारायण आ गई। आप जाके बैठे, बीबी आखन लगी सरकार किथे मैं गरीबनी दा घर ते किथे मुसलमाना दा अमीर, किथे हुजूर तुसी किथे मैं गरीबनी। आपने फरमाया बीबी असी तुहाडे कोल बेटी दे रिश्ते दे सवाली बन के आए हां। आखिया अमीरुल मोमिनीन साड़ी तुसा केड़ी को ऐसी अदा वेखी, ना कोई साडे कोल मालो मता, असी ते गरीब चौंपड़ी विच रहन वाले, तुसी 25 लाख मुरबा मील दे हाकम हो। एडी वड्डी सल्तनत अज है ही नहीं दुनिया च जिड्डी वड्डी हजरत फरूक आजम दे दौर च सल्तनत सी।
अर्ज किया हजूर कितने 25 लाख मुरबा मील का हाकम तो सरकार कितने असी गरीब तुसी की समझ के फरमाया मैं होर कुछ नहीं वेख्या मैं ये वेख्या इस बेटी का ओदी तौहीद ते बड़ा मजबूत ईमान है ओदी तौहीद ते बड़ा मजबूत ईमान है पक्का ईमान है आओ हुजूर दे दीवाने हो दरा तवज्जो करी आजे ते बेटी रो के अर्द कीता हुजूर किथे मैं किथे जनाब दा खर आपने सिर ते हाथ रखिया फरमाया नीति है आज तू बाद जदों साडे घर जावेगी हर चीज तेनू मिलेगी तेरे नाल कोई तकाजा नहीं कीता जाएगा कि तू ए कुछ लैके नहीं आई ए कुछ लैके नहीं आई फरमाया हर चीज मिलेगी सिर्फ इको ही म्यार वेख्या है कि तेरे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तौहीद किन्नी ज्यादा है किन्नी मोहब्बत है उहदी तौहीद दी हैं अज जरा गौर ते करके देखिए साडा की हाल है जे मालक देवे ते बड़ी खुशी नाने आ जी बड़ा ही उहदा करम है बड़ा ही उहदा फजल है ते जे दिन माड़े आ जाण ते फिर नहीं आंदे फिर उहदी रजा है फिर आंदे नहीं जी ए साडे जिहड़े गवांढी ने ना साडे जिहड़े रिश्तेदार ने साडे जिहड़े फलाने ने इहना तवीत जादू ही सानू कर करके इथों तक कर दिता है जदों माड़े दिन आ गए उदों तवज्जो इधर नूं कर लई ते जदों चंगे आ गए ते फिर आखिया जी बड़ी उहदी रहमत है लेकिन आ दरा तवज्जो करी जिन्हां दा उहदी तौहीद ते पक्का ईमान है उह आंदे जे सुख देवें फिर भी राजी हाँ जे सुख देवे तेरा फजल है जे दुख देवे तो फिर तेरी रजा है। हुण दो दिन दो तीन दिन का टाइम होया निकाह हो गया बच्ची घर ले आंदी अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत उन्हें उस बेटी के घर बेटी अता फरमाई हजरत फरूक आजम दे पोती ते जदों वह बच्ची जवान हुई परवरिश पाई फिर उहदी शादी की गई अगे अपने ससुराल दे घर गई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बेटी नू एक बेटा अता फरमाया जिन्हों दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज दे नाम नाल याद कर दी है ते जदों हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जदों आप दौरे सल्तनत ते आए जदों आप अमीर बने मुसलमाना दे आपने तख्त ते बैठदे ही फरमाया लोगो हुण किसे दा ना हक माल नहीं खाया जाएगा किसे दी जगह ते कब्जा नहीं कीता जाएगा किसे दी जगह ते कब्जा नहीं कीता जावेगा फरमाया हुण अज तू बाद किसे नाल ज़्यादती नहीं होवेगी फरमाया मैं उस मां दा पुत्तर हां जिन्ने ऐसी पाक मां दा पाक दुध पीता है मेरी नानी दी पकीजगी ते तहारत दे कसीदे हजरत उमरे फारूक मदीना पाक दे मिंबरां ते बह के सुनांदे रहे ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किनिया शाना दितियां किनिया इज्जतां दितियां ए पाक दुध दी तासीर है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जिन्हां नूं सानिए फरूक आजम कहा जाता है आप दे दौर दे अंदर बड़े बड़े ऐसे लोग जिहड़े खुश होए और बड़े बड़े ऐसे लोग दुखी जिन्हां दी आवाज क्योंकि ए बनू उमैया खानदान दे कुछ ऐसे बादशाह भी आए सन जिन्हां ने मुसलमाना दे नाल जुल्मो जफा भी कीते लेकिन जदों हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आए ते लोग पुकार उठे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक दा जमाना याद आ गया हजरत उमर फारूक दी खिलाफत याद आ गई है हजरत उस्मान गनी दियां मुहब्बतां याद आ गई ने हजरत मौला कायनात शेर खुदा दियां सखावतां याद आ गई ने वो लोग पुकार उठे गल एवे कि जिन्हें ओदी तौहीद ते पक्का ईमान रखे है अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हूं इत्थे भी इज्जत अता फरमाउंदा है ते अगे भी इज्जत अता फरमाउंदा है अल्लाह करीम अपने हबीब दा सदका तुहाडी मेरी हाजरी कबूल फरमाए वा आखिर दावा या अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुनता पर